शिवसेना में दो गुटों के बाद अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर अंतिम फैसला सुनाने वाले हैं। नतीजे के बारे में बात करते हुए भंडारा से शिंदे गुट के निर्दलीय विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फैसला खिलाफ होने पर भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने विपक्ष को सलाह दी है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और नतीजे का इंतजार करना चाहिए। शिवसेना में दो गुटों के बाद अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर अंतिम फैसला सुनाने वाले हैं। नतीजे के बारे में बात करते हुए भंडारा से शिंदे गुट के निर्दलीय विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फैसला खिलाफ होने पर भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने विपक्ष को सलाह दी है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और नतीजे का इंतजार करना चाहिए। शिवसेना में दो गुटों के बाद अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर अंतिम फैसला सुनाने वाले हैं। नतीजे के बारे में बात करते हुए भंडारा से शिंदे गुट के निर्दलीय विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फैसला खिलाफ होने पर भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने विपक्ष को सलाह दी है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और नतीजे का इंतजार करना चाहिए।